ونصلي ونسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء اس حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کی ایک خاص عادت خصلت اور طینت اور طریقہ ہوتا ہے اور اسلام جو اللہ کا دین ہے اس کی خصلت اور اس کی عادت اور اس کا خاص طریقہ اور خاص اس کا اخلاق و حیا ہے، شرم و حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کو اسلام کی خاص اور خاص الخاص عادت اور خصلت قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا وہ تمام نیکیوں کی جڑ، تمام خیر اور اچھی عادتیں وہ اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور برائیوں سے یہ انسان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ عادت، ایک حدیث شریف میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں، 70 کے آس پاس، اور سب سے افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا وہ اسلام کا عظیم الشان شعبہ ہے۔ تو آپ نے اتنے سارے شعبوں میں اول آخر کو ذکر کیا اور بیچ میں حیا کو خاص طور پر ذکر فرمایا، الحیا شعبۃ من ایمان، کہ حیا ایمان کا خاص شعبہ ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ دوسری چیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے آتی ہے، اسی لیے آپ نے اس کو ذکر فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت جتنی شرم کرتی ہے اس سے زیادہ شرم فرمانے والے تھے، بہت زیادہ آپ شرم اختیار فرمانے والے تھے۔ بے حیائی یہ ہر فتنے کی جڑ ہے، جو حیا کے خلاف ہے، تو حیا جتنی ہو اتنی بہتر ہے۔ ایک حدیث میں الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا تو خیر ہی کو جنم دیتی ہے، حیا سے برائی نہیں آتی، حیا خیر ہی لاتی ہے ہمیشہ، جتنی حیا ہو اتنی بہتر ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیا ایک دل میں ایک کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، اور کوئی بھی ایسا کام جو مناسب نہیں ہے یا کوئی بھی عیب کی بات ہے تو اس کو کرتے وقت اس کے دل میں ایک کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اسی احساس اور شعور کا نام اور تغیر کا نام
जिसके आसार उसके चेहरे पर भी जाहिर हो जाते हैं और वही खींचा जाता है, उसी का नाम हया। कोई भी बात, गंदी बात बोलने से, कोई भी काम करने से के ये लोगों के एक बात से बहुत बुरी है, मुआशरे में इसको पसंद नहीं किया जाता है, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होगा। हया अल्लाह से सबसे बढ़कर हया होना चाहिए कि मेरा रब देखेगा मुझे इस हालत में तो क्या कहेगा, वो अल्लाह तबारक व ताला मुझसे नाराज़ हो जाए। तो सबसे बढ़कर अल्लाह से हया, फिर लोगों से भी हया। एक आदमी अपने भाई को समझा रहा था हया के बारे में कि बहुत हया करते हो तुम, इतनी नहीं करना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो कहा दाऊ फाइनल हया में, मैंने तो हया के बारे में मत समझाओ कि हया ज़्यादा करते हो, अच्छा है करने दो जितनी हया करे, क्योंकि हया तो ईमान का हिस्सा है। अगर हम देखें इस मुआशरे में हमारे, ख़ासतौर से इस ज़माने में, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा कम हो गई है वो यही है हया। हया के कम हो जाने की वजह से ये सारे फितने जन्म ले रहे हैं। आजकल देखिए कितनी हया कम हो गई है कि आदमी बड़ों का, अपने बड़े भाई का, अपने बाप का, चचा का और अपने महल्ले के बड़े शख्स का कोई ख्याल नहीं करता है। वो जो बुरी हरकत कर रहा है वो करता रहता है, ये सब हया के कम हो जाने का नतीजा। जो इस ज़माने में ये नंगापन हो गया है, मोबाइल में देखिए कि जहाँ देखिए बस औरियाँ तस्वीरें, बिल्कुल साफ जो हया सोज है और जो इंसानियत का सर नीचा करने वाली चीज़ें हैं वो दिखाते हैं, और वो हमारे नौजवान देखते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर शहवत भड़कती है और फिर वो उस शहवत को पूरा करने के लिए तरीक़ा इख्तियार करते हैं। तो ये हया के कम हो जाने का नतीजा है। जगह जगह ऐसी चीज़ें हैं जो हया को ख़त्म करने वाली, अखबारों में देखिए, डाइजेस्ट में देखिए, मुआशरे में देखिए, दीवारों पर पोस्ट जो लगे रहते हैं उनमें देखिए। इस मौके पर सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वो रोके नौजवान को, ख़ास तौर से कि बेहयाई के धारे में वो न बह जाए। इसकी वजह से उसकी मर्दानगी और उसकी ताकत भी कम हो रही है, उसका दीन भी बर्बाद हो रहा है, दुनिया से भी वो जा रहा है काम से और आखिरत तो बर्बाद हो ही रही है। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कैसे पाबंदी लगाएं इस बेहयाई पर। एक मरतबा एक वो था मुखन्नस, मुखन्नस जो मर्द भी नहीं होता औरत भी नहीं होती, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही उम्मे सलामा रज़ी अल्लाह अन्हा की अहलिया है, उन्हीं के भाई से कह रहा है, उम्मे सलामा के भाई से आपकी अहलिया है कि फतेह होगा ताइफ तो मैं तुम्हें एक औरत दिखाऊंगा जो बहुत मोटी औरत है, जाती है तो आठ उसके शिकन पड़ते हैं, आते हैं तो चार शिकन पड़ते हैं, वो आने में चार होते हैं शिकन और जाने में चार इधर डबल हो जाते हैं। बीच में जो लकीर होती है वो रीढ़ की हड्डी, इस वजह से चार शिकन इधर मोटी होने की वजह से अरबों में पसंद था वो मोटापा। तो हुजूर ने सुना, वो खूबसूरती का बयान कर रहा था, एक औरत है वो दिखाऊंगा मुखन्नस। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन लोगों को ना आने दो, हम समझ रहे थे कि ये कुछ बेहयाई नहीं करेंगे, ये तो खुद तो नहीं उस काबिल लेकिन ये दूसरों को उकसाते हैं। आपने कहा कि इनको ना आने दिया करो, आपने मना कर दिया अपने घर में। औरत के बारे में आपने फरमाया कि जब औरत निकलती है तो शैतान देख लेता, हाँ ताप में रहता, निकल गई ना, अब आलायकार बनाता है उसके जरिए से।
फिटनेस कहलाता है उसके जरिए से। अब तो कोई भी आदमी शर्माता नहीं है, नौजवान कि किसी औरत से बात कर रहा है, किसी दोशीजान नौजवान खातून से वो बात कर रहा है, कोई देख रहा है, कुछ नहीं। पढ़ने जाते हैं जो स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, वो बिल्कुल चलते हैं मर्द और औरत, तो उसको कोई नहीं समझा जाता है, यानी मायूब बिल्कुल फौश हो गया है। फिर उसकी वजह से उनके नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं। तो ये सब बेहयाई की चीज़ें हमारे माशरे में हो गई हैं, उसको आज़ादी का नाम दिया जाता है। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि ये मोबाइल का जो फितना है, ये जो स्कूलों की राह से जो फितने आ रहे हैं, बाज़ारों में जो उरियानियत और अनारती है, इसकी वजह से हमारा नौजवान बिगड़ रहा है और ज़हनियत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। दो तीन तरीके हैं जवानी में, या तो बुरी लत पड़ जाती है इंसान की जो अपने खुद ही के ताल्लुक से होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि सेहत से बर्बाद हो जाता है, या फिर वो जीना में मुबतला हो जाता है, या मर्दों ही के ताल्लुक जो कौम लूद का तरीका था उसमें मुबतला हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सब बेहयाई की चीज़ें हैं। और जिनाकारी, अब इसका ये है कि निगरानी की जाए नौजवानों के ऊपर, और इलाज ये है कि जल्द शादी करने को हम तरजीह दें। इसका एक इलाज ये है कि बालिग होने के बाद ज़्यादा इंतज़ार ना करना चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अल्लाह ताला का अल्लाह ताला ने जो बनाया फितरत का तकाजा है, अल्लाह ने जो फितरत बनाई नौजवानों की, तो ज़्यादा जो देर शादी करने का रवाज है, पढ़ाई हो जाए, पैरों पर खड़ा हो जाए, वो 25-30 साल का हो जाए तब शादी करते हैं। जब तक तो सेहत बर्बाद हो जाती है, जवानी बर्बाद हो जाती है, इसकी बुरी आदत है, किसी की इज्जत महफूज नहीं रहती। हमारी बच्चियों और बच्चों में जल्दी शादी को हमें तरजीह देना चाहिए, और जब तक उनका ये इंतज़ाम ना हो तो उस वक्त तक उनकी खास निगरानी चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, तुम में से हर एक आदमी वो निगरान है, और उससे सवाल होगा उसकी निगरानी में जो लोग हैं। और रजुल राइन की अहले बैती, आदमी अपने बीवी बच्चों का जिम्मेदार है, उससे पूछा जाएगा उसकी जिम्मेदारी के बारे में। तो ये इसके ज़रर से डराना ये बहुत ज़रूरी बात है। जब हमारा बच्चा नौजवान हो जाए तो एक एक चीज़ पर नज़र रखना, उसको अपने खुद या बिला वास्ता बिल वास्ता किसी के ज़रिए से समझाना और उसकी ये जहन साजी करना इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी। उसको उसके हवाले कर देना ये किसी तरीके से ठीक नहीं है इस ज़माने में। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हया के बारे में, और कुरान मजीद में जगह जगह वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़ाहरा मिन्हा वमा बतन, फहश चीज़ों के यानी बेहयाई की चीज़ों के करीब ना जाओ, करीब भी ना जाओ। कुरान में ये फरमाता अल्लाह ताला, जो ज़ाहिर कुल्लम कुल्ला है, जो बातिन ज़ाहिर जैसे आप देख रहे हैं जो मुआशरे में बातिन जो अंदर करते हैं, जो अंदर चुप चुप कर ये जो फहश चीज़ें होती है, फरमाया कि चाहे ज़ाहिरी फौज हो चाहे बातिनी फौज हो, उसके करीब भी ना जाओ। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल-फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन, आप कहिए मेरे रब ने तो फौज चीज़ों को हराम किया। मन हर्रमा ज़ीनत अल्लाह, अल्लाह की ज़ीनत को कौन हराम करेगा? और तैयबात में रिज़्क, पाकीज़ा रिज़्क अल्लाह ने दिया, उसको कोई हराम नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ने ये फौज चीज़ हराम की है जो ज़ाहिरी है और बातिनी, और गुनाह को और ज़्यादती को अल्लाह ताला ने हराम किया। तो जगह जगह कुरान में फहश से डराया गया है, इसलिए फहशकारी, बदकारी, जिनाकारी या हमारे मुआशरे में लिवातत